नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और अहम होने वाली है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ कि जहाँ से आप अपने मनपसंद की चीज़ें अपने डिज़ाइन के लिए, जैसे बैकग्राउंड हो या PNG हो या कुछ भी हो, आप आसानी के साथ फ्री में डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस ऐप के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे डिज़ाइन पहले से बने बनाए हुए हैं, उसको आप थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उस ऐप का नाम क्या है और उसको कहां से डाउनलोड करना है। नाज़रीन, यहां पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है उर्दू डिज़ाइनर। तो बहुत सारे लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और ये वीडियो उनके लिए है जो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हो। तो नाज़रीन, इस ये ऐप प्ले स्टोर पर आसानी के साथ दस्तियाब है, वहाँ से आप आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दिया है, आप वहां से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे और जब यहां से आप इसे ओपन करेंगे, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूं। नेट आपका ओपन होना चाहिए, नेट खुला होना चाहिए। अगर नेट खुला होगा तो कुछ ज़्यादा फ्यूचर यहाँ खुलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने इसे ओपन किया तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आने लगा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सेटिंग हैं, तो इनमें से आज हम कुछ सेटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, जो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू डिज़ाइन का, इस पर जब हम टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सारे साइज है, यानी डिज़ाइन के जो साइज़ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर है, ट्विटर वाला है, यहाँ से YouTube चैनल आर्ट है, यहाँ पर YouTube थंबनेल है, उसके बाद और नीचे चले जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं WhatsApp है, Facebook है, बाकी Instagram है, बहुत सारे साइज़ है। तो अब आपको जो साइज़ में जिसके लिए आपको डिज़ाइन करना हो वो साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी और नीचे आ जाए तो यहाँ से आप अपने पसंद के साइज़ को भी ले सकते हैं, यहाँ से जो आपको साइज़ अगर पता हो तो आप यहाँ पर उस साइज़ को लेकर आप अपने उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़ होगी। अब पीछे आ जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से दूसरा जो ऑप्शन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। अगर आप इस पर टच करके देखेंगे तो इसके अंदर पहले से बहुत सारे बने बनाए हुए डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी सी मेहनत करके आप इस डिज़ाइन को आप अपने लिए भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको जो भी डिज़ाइन तलाश करना हो, जिसके मुतालिक, चाहे आप जलसे का पोस्टर हो या भी और भी कोई चीज़ आपको तलाश करना हो, तो आप यहाँ सर्च बार पर लिख दें, आपको कुछ भी तलाश करना हो, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जलसा पोस्टर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जलसा पोस्टर और मैं यहाँ सर्च करता हूँ, तो देखें, देखें यहाँ पर बहुत सारा जो पोस्टर डिज़ाइन है यहाँ पर आ गया। आपको जो डिज़ाइन चाहिए आपको यहाँ से आप उनके लिए डिज़ाइन लेकर आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें एडिट करके आप अपने लिए इसे बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है, पहला है यहाँ पॉपुलर्स का, यहाँ से रिसेंट है, तो बहुत सारे जो आप कैटेगरी है आप जो चाहते हैं आप यहाँ से डाउनलोड करके थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डिज़ाइन करके बता दूं कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ, चलिए इस डिज़ाइन को मैं ले लिया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रहे कि यहाँ जो डिज़ाइन है ये दो कैटेगरी का है, एक है प्रीमियम और एक है फ्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्रीमियम। ये प्रीमियम क्या है कि अगर आपने इस ऐप में सब्सक्रिप्शन लिया है, यानी इसकी मेंबरशिप ली है अगर, तब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसको आप अपने काम में नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्री है आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि ये वाला फ्री है, ये भी फ्री है, लेकिन ये है प्रीमियम है, इसके लिए आपको पैसे पे करने होंगे। तो अगर आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ्री वाला यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पोस्टर को, मैं इसको अपने नाम के लिए अपने हिसाब से और अपने लिए मैं बनाना चाहता हूं, तो मैंने इस पर टच किया। जब इस पर मैंने टच किया तो यहां पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन खुलकर सामने आया, इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। और जो पहला जो ऑप्शन है डाउनलोड एंड एडिट, इस पर हम टच करेंगे, जब हम इस पर टच करेंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है, जब आप डाउनलोड हो जाए तो अब आप देखेंगे आगे का ऑप्शन क्या है। जी हाँ,
अब ये डाउनलोड हो गया, अब ये खुलकर सामने आ गया। अब आपको यहाँ से जो जो चीज़ है बदलनी हो आसानी के साथ आप यहाँ पर बदल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है लेयर वाला, यहाँ पर देख सकते हैं ये लेयर वाला ऑप्शन है, इस पर आप टच करेंगे। उसके बाद इसके लेयर को देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इनके जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। अब आपको इनमें से जो चीज़ें यहाँ से आपको तब्दील करना हो आप आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या चीज़ें तब्दील करूँगा, जैसे यहाँ पर इस इमेज को चाहें तो आप तब्दील कर सकते हैं। जैसे यहाँ इमेज है, इसको हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ से डिलीट करके अपनी तस्वीर यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इसको जैसे यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन अपने इमेज लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये एडिट वाला जो एड न्यू है इस पर हम टच करेंगे। जब हम इस पर टच करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर ऑप्शन है गैलरी पिक, इस पर आप टच करके आप अपनी गैलरी से कोई भी इमेज ला के वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ से जो जो चीज़ें आपको बदलनी हो आसानी के साथ आप बदल सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ना डिज़ाइन की परेशानी कि किस तरीके से डिज़ाइन करें, सिर्फ आप अपने नाम को बदल कर आप अपने लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा ऑप्शन। अब नाज़रीन यहाँ से हम जान लेते हैं इसका तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है माई टेम्पलेट्स। माई टेम्पलेट्स क्या ये है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट को बनाते हैं, जैसे आपने पिक्सल लैब के अंदर देखा जिसे माई प्रोजेक्ट PLP फाइल कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर है माई प्रोजेक्ट। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और उसकी अगर आप फाइल बना के रखना चाहते हैं तो वो फाइल यहाँ पर आपका शो करेगा माई टेम्पलेट्स में। यहाँ पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितना काम किया, वो जितना भी काम किया वो सारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप कोई भी काम करेंगे तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने इसको जो वहाँ से डाउनलोड करके एडिट करने की कोशिश की थी वो यहाँ पर देखें नज़र आ रहा है। इसको हम दोबारा चाहें तो इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। तो ये हो गई तीसरी जानकारी। अब यहाँ से चौथी जानकारी क्या है, यहाँ से इसको हासिल कर लेते हैं। ये है कॉन्टेस्ट, यानी इसके अंदर इनामी मुकाबला होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई भी जब ये इनामी मुकाबला चलता है तो आप इसके अंदर अपने हिसाब के डिज़ाइन बनाकर आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप इसमें आप अव्वल पोजीशन पर रहते हैं तो आपको कुछ इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा जो इनके कवानीन के हिसाब से है। तो आप उसको देख लेंगे जब आप कॉन्टेस्ट पर टच करेंगे तो यहाँ सारे कवानीन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा कॉन्टेस्ट हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ट्यूटोरियल्स है, यानी इस ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर कैसे इसके डिज़ाइन को बनाया जाता है, इसके ऊपर वीडियो यहाँ से मौजूद है। उसके बाद यहाँ से एक चौथा ऑप्शन है माई फोल्डर का। माई फोल्डर का ये है कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन को अगर आप सेव करेंगे तो वो सेव आपके मोबाइल में भी होगा और साथ साथ में यहाँ इस फोल्डर में भी जाकर सेव हो जाएगा। तो नाज़रीन ये छः ऑप्शन इसकी हम जानकारी हासिल कर ली है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ से जो सबसे नीचे है सेटिंग वाला ऑप्शन, इस पर आ जाते हैं। तो अब आपको इसको इस तरीके से रखना है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं ऑटो सेव टेम्पलेट्स, इसको आप 1 मिनट कर दें, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ से आप थीम जो चाहें वो आप इस तरीके से सेम इस तरह से आप इसको सेटिंग कर लें। उसके बाद हम फिर पीछे आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से हेल्प वगैरह है, उसके बाद ये प्रीमियम है, यानी अगर आप इस ऐप में इस ऐप को पैसे देकर ख़रीदना चाहते हैं और फिर इसको आप इनके सारी फीचर को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, यानी मेंबरशिप लेनी होगी। तो यहाँ पर आप जाकर इसके मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है ऊपर एक 3 लाइन, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वही सारा ऑप्शन है यहाँ पर जो यहाँ पर आपने स्क्रीन के ऊपर देखा है। लेकिन यहाँ पर एक दो ऑप्शन कुछ ज़्यादा है, जैसे यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं और आपको ये ऐप की सारी फीचर और इस ऐप को आप ये ऐप आपको अगर ज़्यादा पसंद आ रही है तो आप इस ऐप को 5 यानी 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें और आप अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें प्ले स्टोर पर जाके। उसके लिए आसान सा तरीका क्या है, यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे और यहाँ आने के बाद अब यहाँ से आप 5 स्टार दे दें। मैं पहले से दे रखा हूँ आना, लेकिन फिर मैं दोबारा कर रहा हूं, यहां से 5 स्टार पे टच कर दें। उसके बाद जो आपकी दिली बात है, दिली ख्वाहिश है या आपको कैसा लगा ये ऐप, उसके बारे में यहां कुछ चीजें लिख दें, उसके बाद यहां से पोस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि अगले की हौसला अफजाई हो जाएगी और ये उनका हक है। अगर आप उनकी कुछ चीज़ों से अगर फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो ये उनका हक होता है कि आप उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करने के बाद उनकी हौसला अफजाई करें। तो नाज़रीन ये थी आज छोटी सी एक जानकारी इस ऐप के बारे में। अगर आप चाहते हैं इस ऐप को तफसील से सीखना तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मैं इस ऐप के बारे में तफसीली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।